सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। हेलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। इससे पहला टॉपिक था एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो ये टॉपिक वैसे तो लगभग उसके जैसा ही है, तो थोड़े सा चेंज होगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले समझ लेते हैं। इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी ईएमएफ विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज इज जनरेटेड बाय अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन द सेम सर्किट इन हाफ टाइम। तो देखो, ऐसी ही डेफिनेशन हमने पिछले टॉपिक में की थी, उसमें हमने यहाँ करंट की जगह क्या लिखा था, ईएमएफ लिखा था। तो देखो कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा डेफिनेशन को बिल्कुल उसी तरह ही कहेंगे। इसमें जैसे हम, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, इस पर हमने देखो एसी का सोर्स लगा रखा है, एसी का सोर्स हमने लगाया है, तो इसमें जो चार्ज जनरेट हो रहा है हाफ टाइम पीरियड में, हम उसको क्यों एसी ले रहे हैं। तो अगर हम इसी सर्किट के अंदर एसी के सोर्स की बजाय डीसी का सोर्स लगा दें, कोई बैटरी लगा दें, और इतना ही चार्ज जनरेट करवाएं, इतना ही चार्ज जनरेट करवाने में हमें कितना ईएमएफ देना पड़ेगा, तो वो क्या होगी हमारी एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले टॉपिक में मैंने ये बिल्कुल बहुत आसान तरीके से समझा रखा है। तो इसका हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसमें अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन लिख देते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो हम क्या करें, हम कि जो वो वैल्यू स्टेडी ईएमएफ की, वो वैल्यू जो उतना ही चार्ज जनरेट करे। तो सबसे पहले चार्ज लिखेंगे हम। अब देखो चार्ज क्या होता है, करंट इंटू टाइम होता है, आई इंटू डी टी होता है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू पुट करते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। क्लियर है इतना। अब देखो हमें तो ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है, तो देखो जो आई नॉट है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी डी टी। ओम्स लॉ से हम लिख देंगे इसको, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये डी के वो आ गई हमारा। तो अब क्या करेंगे, हमें टोटल चार्ज निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, क्यू, इसको हम क्यू ए सी बोल देते हैं। इट इज इक्वल टू ई नॉट बाय आर और इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी। अब जो लिमिट्स है वो हम इसमें भी जीरो से टी बाय टू ही लेंगे, हाफ टाइम पीरियड के अंदर ही निकाल रहे हैं, क्योंकि फुल के अंदर क्या हो जाएगी, एवरेज वैल्यू ईएमएफ की जीरो हो जाएगी। तो इसको सोल्व करते हैं, ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। अभी अपॉन ओमेगा क्यों लिखते हैं हम, क्योंकि ये जो अभी कोस साइन का हमने इंटीग्रेशन किया है माइनस कोस, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है इसका इंटीग्रेशन, जो एंगल है, एंगल का डेरिवेटिव जो होता है हम उससे डिवाइड कर देते हैं। तो इसकी जो लिमिट हो जाएगी जीरो से टी बाय टू हो जाएगी। अब देखो इस माइनस को और इस ओमेगा को हम बाहर निकाल लेते हैं, माइनस ई नॉट बाय आर ओमेगा कोस ओमेगा टी, और जो लिमिट्स हैं जीरो से टी बाय टू, लिमिट्स पुट कर देते हैं, माइनस ई नॉट बाय आर ओमेगा कोस ओमेगा टी बाय टू माइनस कोस जीरो। अब ये लिमिट्स हम यहां नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने इसको पुट कर दिया है, माइनस ई नॉट बाय आर ओमेगा। अब देखो ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती है, टू पाई, तो यहां हम पुट कर देते हैं डायरेक्ट, टू पाई बाय टू माइनस कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन। ये टू से टू कैंसिल, कोस पाई की वैल्यू क्या होगी, माइनस वन। तो देखो क्यू ए सी हमारा आ गया था, माइनस ई नॉट बाय आर ओमेगा कोस पाई, कोस पाई की वैल्यू माइनस वन और कोस जीरो की वैल्यू भी वन, तो ये होगी हमारी माइनस टू, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस टू ई नॉट बाय आर ओमेगा। ये हमारा आ गया एसी का चार्ज, एसी इतना चार्ज जनरेट कर रही है हाफ टाइम पीरियड के अंदर, तो उतना ही चार्ज कौन सेंड कर रहा है, डीसी। तो हम इसको डिफाइन कर देते हैं कि क्यू डीसी इक्वल टू, हमें क्या लिखना है, करंट इनटू टाइम। तो मीन वैल्यू ऑफ करंट लिख देते हैं हम यहाँ पे, और टाइम कितना है, हाफ। अब यहाँ पे ई एम, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ई एम बाय आर लिख सकते हैं, ओम्स लॉ से
ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस और टाइम कितना है हाफ टाइम पीरियड। तो ये हमारा आ गया डीसी का चार्ज, दोनों चार्ज तो सेम है तो दोनों सेम चार्ज जनरेट कर रही हैं, तो इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर देंगे, कंपेयर इक्वेशन वन एंड टू कंपेयर करेंगे, तो टू ईएम बाय आर इंटू टी बाय टू इक्वल टू टू ई नोट बाय आर ओमेगा। ये क्या कर रहे हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं इक्वेशन वन का और टू का, जैसे हमने पिछले टॉपिक में भी लिया था। तो देखो आर से आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और तो ईएम हमारी आ गई, मीन वैल्यू ऑफ ईएमएफ हमारी आ गई टू इंटू टू फोर ई नोट बाय ओमेगा टी। अब यहाँ ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे, फोर ई नोट ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती है टू पाई, तो टू इंटू टू फोर, तो ये हमारी वैल्यू आ गई टू ई नोट बाई पाई। यही वैल्यू हमारी क्या आई थी अल्टरनेटिंग करंट की, यहाँ आया था टू आई नोट बाई पाई। तो देखो जीरो से टी बाई टू टाइम पीरियड में हमारी ये वैल्यू आई है, अगर टी बाई टू से टी तक की वैल्यू हम निकालेंगे वो हमारी आएगी माइनस टू ई नोट बाई पाई। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारी एवरेज वैल्यू फुल टाइम पीरियड के अंदर जीरो आएगी, तो इसलिए हम जो एवरेज वैल्यू है हाफ टाइम पीरियड के अंदर निकालते हैं। तो ये क्लियर है, तो इसको नोट कर लेना कॉपी पे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.